बॉलीवुड की एक बड़ी फेमस लाइन है, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। और ये लाइन है तो बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि एक इंसान अगर कहीं पहुंचने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है तो वो अपना गोल अचीव कर ही लेता है। और इसी के साथ साथ आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए ही होता है। और ये सब हुआ है एक प्लेयर की लाइफ में, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही टीम इंडिया में एंट्री मारी है। नाम है ध्रुव जुरेल। ये कहना सही होगा कि ध्रुव जुरेल ने अपनी तकदीर खुद बदली है, क्योंकि बहुत चांसेस थे कि वो क्रिकेटर ना बनते बल्कि कुछ और ही करते। लेकिन ध्रुव जुरेल और उनकी फैमिली ने एक समय पे बहुत बुरा टाइम भी देखा था। ध्रुव जुरेल के पिता फौजी थे और वो यही चाहते थे कि उनका बेटा ध्रुव एक फौजी ही बने, देश की सेवा करे। उनके पिता ने कारगिल वॉर में अपना योगदान दिया, लेकिन ध्रुव चाहते थे कि वो क्रिकेटर ही बने। अब तो उन्होंने क्रिकेटर बनने की जिद पकड़ ली थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उनकी माँ को उन्हें क्रिकेट के दिलवाने के लिए अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ी। लेकिन उन्होंने अपनी और अपने घर वालों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया, क्योंकि वो जो चाहते थे उन्होंने करके दिखाया। अब तक उनके क्रिकेटिंग करियर की बात करें तो उन्होंने एज अ कैप्टन इंडिया को 2019 में अंडर 19 एशिया कप जितवाया। आईपीएल 2022 में ध्रुव जुरेल को राजस्थान रॉयल्स ने पिक भी कर लिया था, पर उस साल उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। बट वो कहते हैं कि एक टैलेंटेड खिलाड़ी को आप फील्ड से ज्यादा समय तक दूर नहीं रख सकते। आईपीएल 2023 में इन्होंने फाइनली अपना पहला मैच खेला और वहाँ पंजाब के अगेंस्ट 15 बॉल पर 32 रन बनाए, और उसके बाद तो ये लगातार ही खेलते थे। लेकिन ये बात तो अलग है, हर खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि वो एक दिन इंडिया के लिए खेले, और ध्रुव जुरेल का भी यही सपना था जो बहुत जल्द पूरा हो गया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए जब इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो वहाँ स्क्वाड में ध्रुव जुरेल का भी नाम आ गया था, बट प्रॉब्लम ये थे कि ध्रुव स्क्वाड में तो थे पर उनसे ऊपर प्लेइंग 11 में केएस भारत को ही मौका मिल रहा था, पर केएस की खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बाहर किया गया था और जुरेल को फाइनली मौका दिया गया। तीसरे टेस्ट में जहां ध्रुव ने अपनी विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों से इम्प्रेस किया था, पर उससे ज्यादा इम्प्रेस उन्होंने किया चौथे टेस्ट मैच में, जब टीम इंडिया मुश्किल में थी। इन्होंने पहली इनिंग में बनाए थे 90 रन, वो भी एक मुश्किल पिच पे, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ था क्योंकि दूसरी पारी में भी टीम प्रॉब्लम में थी, पर वहां भी ध्रुव ने यही कहा कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और ध्रुव ने गिल के साथ पार्टनरशिप लगा के इंडिया को मैच जितवा दिया। ध्रुव जुरेल को लेकर सुनील गावस्कर ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है कि ध्रुव अगले MS धोनी हो सकते हैं। क्या आपको भी जुरेल में वो कैलिबर दिख रहा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना।